गेस्ट ऑफ फाइनली अंदर एंट्री हो चुके हैं, अंदर पहुंच गए हैं। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और मेरी दिखो रहा है, आप सबका वेलकम करती हूँ मेरे चैनल हैरी मधुर लाइफस्टाइल में। और अभी ना मॉर्निंग का टाइम नहीं है, वैसे अभी आफ्टरनून हो गया है, क्योंकि अभी सुबह के 12:30 दोपहर के 12:30 बज गए हैं। तो सबको गुड आफ्टरनून। चले तो आज के दिन की शुरुआत करते हैं। वैसे क्या है ना, आज सुबह से थोड़ी बहुत मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो ज्यादातर मैंने कुछ व्लॉग नहीं किया है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैं किचन में थोड़ा बहुत लंच भी मैंने बना ही लिया है, साथ साथ थोड़ा बहुत काम करते करते, बिकॉज मुझे ना कल रात से थोड़ा जुकाम जैसा लग रहा था, तो सुबह भी थोड़ा रेस्ट कर रही थी, तो आज थोड़ा काम भी मैंने कम किया है, फटाफट से लंच बना लिया है। अभी फिलहाल मैंने लंच में राइस बनाया है, तो बस मैं लंच करके दवाई लेके थोड़ी देर रेस्ट करने वाली हूँ, बिकॉज ना कल रात से कुछ मेरी तबीयत अच्छी ठीक नहीं है। बस अब तो जल्दी से जल्दी बस हेमल आ जाए और मेरी तबीयत ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। चले तो अभी थोड़ी देर में दवाई लंच करके दवाई लेके रेस्ट करूंगी, तब तक आप लोग जाइए और मुंबई के अच्छे अच्छे नजारे देख के आइए। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण। और आज भी ना मुंबई से बहुत अच्छी मॉर्निंग हो गई है। और आज ना मुंबई में पाम एक्सपो का 3rd दिन है, यानी कि 3rd दिन है, और आज ना लास्ट एंड फाइनल डे है पाम एक्सपो का। सो क्या है ना, आज लास्ट डे है, इसलिए जो कुछ भी लेना है तो आज परचेस कर लेते हैं। हम लोग कल ना देख लिया था, सभी चीज़ें एक्सप्लोर कर ली थी, तो जो कुछ भी लेना होगा ना वो आज ले लेंगे, वरना वहाँ लिखवा देंगे। तो चलिए यहाँ से चलते हैं सीधा गोरेगांव की ओर, नेस्को एग्जीबिशन सेंटर पर। तो चलिए गाइस, एज यूजुअल टिकट ले लेते हैं यहाँ से। मैं पहुँच चुका हूँ स्टेशन, चलिए यहाँ से ले लेते हैं टिकट। दो गोरेगांव, तो चलिए गाइस, टिकट आ गई है यहाँ पे। सो चलिए गाइस, आ गई है ट्रेन। चलिए गाइस, पहुंच गए हैं गोरेगांव। अब यहां से सीधा चलते हैं हम नेस्को एग्जीबिशन सेंटर। सो चलिए गाइस, फाइनली पहुंच गए हैं नेस्को एग्जीबिशन सेंटर पे। और आज ना एग्जीबिशन का लास्ट डे है, इसलिए ट्रैफिक भी बहुत होगा, कोई बात नहीं, चलिए चलते हैं अंदर। तो फाइनली अंदर एंट्री हो चुके हैं, अंदर पहुंच गए हैं। और अभी ना डायरेक्ट सीधा चलेंगे हम लोग, जो कुछ भी परचेस करना है उनको लेना है, वहाँ ही सीधा हम लोग जाएंगे, क्योंकि परसों और कल ना सब कुछ एक्सप्लोर कर लिया है हमने, कि क्या क्या लेना है, क्या क्या नहीं लेना है, क्या क्या नई चीज़ें हैं, सब कुछ। चलिए फटाफट से चलते हैं अंदर और सीधा ले लें। चलिए गाइस, आज हम लोग आए हैं यहाँ पे हारमन लाइव एरेना, और यहाँ ना सभी आर्टिस्ट आते हैं, तो चलिए लाइव परफॉर्मेंस है, अंदर जाके देखते हैं क्या क्या है। कुछ कुछ
निकल चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं सीधा यहाँ पे लाइटिंग वाला डिपार्टमेंट में। सो गाइस देखिए यहाँ पे ना ऊपर ट्रस लगा हुआ है, ट्रस पर LED स्क्रीन लगाई गई है। सो गाइस ये लेजर है और लेजर की इफेक्ट देखिए कितनी बढ़िया आ रही है। 1,75,000। गाइस अभी ना तीन चीज़ें परचेज की है अलग अलग, देखिए उसका बिल भी आ गया है यहाँ पे। सो चलिए अभी फिलहाल यहाँ से चलते हैं और अलग अलग अभी ना बहुत सारी चीज़ें परचेज करनी है हमें, तो चलिए देख लेते हैं फिर करते हैं परचेज। सो देखिए गाइस वाटरप्रूफ लाइट आ गई है, यानी कि सार्फी लाइट है ये वाटरप्रूफ और न्यू वेरियंट है। सो गाइस अभी ना लाइट परचेस करनी है, पाल लाइट देख रहे हम लोग और डेमो चालू है, टेस्टिंग चालू है यहाँ पे। सो चलिए गाइस फाइनली पाल लाइट भी परचेस कर ली है और ये आ गया उसका बिल। सो आ गया इसका बिल, पार लाइट भी परचेज कर ली है। अभी चलिए चलते हैं दूसरी जगह पर। चलिए गाइस अभी फिलहाल यहाँ पे चलते हैं, यहाँ कुछ ना न्यू है देखिए। चलिए तो अंदर चलते हैं और देखते हैं, यहाँ पे डांस फ्लोर भी लगाया गया हुआ है, ये ना डांस फ्लोर है। चलिए गाइस अभी ना मुझे जाना है जिसमें लाइट ऑपरेट होती है, यानी कि DMX मिक्सर, वो लेने जाना है। तो चलिए फटाफट से चलते हैं यहाँ पे और ले लेते हैं। A few moments later. 갑자기 내게 나타나죠 너. Hey guys, good evening. तो अभी हो चुकी है शाम और शाम के ना अभी 8:05 हो गई है। अभी थोड़ी देर पहले ही मेरी माता रानी की पूजा वगैरह हो गई है और पूरी दोपहर ना मैं दवाई लेकर सो गई थी ना, तो मैं पूरी दोपहर रेस्ट ही कर रही थी लंच करने के बाद। तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैं जगी हूँ और माता रानी की पूजा वगैरह की। तब तक ना अभी थोड़ी देर पहले ही हेमल का मुझे कॉल आया था कि पता नहीं सडनली वहाँ पे उसके फोन में कुछ इश्यू आया है। वैसे फोन में नहीं, वो बोल रहे थे कि फोन में ना बैटरी खत्म हो गई ना, तो सडनली उसने पावर बैंक, तो हेमल के पास ऑलमोस्ट था ही पर पावर बैंक में से फोन चार्ज ही नहीं हो रहा था। तो फिर पता चला कि केबल में ही कोई प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से वो कुछ आगे का वहां पे शूट नहीं कर पाए हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले ही हेमल के साथ मेरी बात हुई, तो कुछ इस तरह से इश्यू वहां पे आया है, बट कोई बात नहीं। चलिए अभी शाम का टाइम है, मैं दोपहर को रेस्ट कर गई थी, बट अभी भी थोड़ी थोड़ी मेरी तबीयत ठीक पूरी तरह से नहीं हुई है। अभी रात की दवाई है तो रात को डिनर करने के बाद मैं दवाई लूंगी। अभी फिलहाल मैं जा रही हूँ नीचे किचन में, कुछ गर्मा गर्म सा सूप बना के पीऊंगी और उसके बाद रात को देखूंगी डिनर में क्या करूंगी। सो चलिए फिलहाल आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए और इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है सो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, जाइए और मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर लीजिए। सो चलिए मिलती हूँ कल, तब तक के लिए सबको गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। इसमें पूरा का पूरा पेपर का कचरा डाल देने का फिर यहाँ से उड़ेगा।